वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे थ्री डिजिट मल्टीप्लिकेशन की शॉर्टकट ट्रिक कि कैसे तीन डिजिट के नंबर को हम इजीली शॉर्टकट ट्रिक के थ्रू मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आइए टाइम वेस्ट नहीं करते और इससे पहले दो डिजिट की मल्टीप्लिकेशन की शॉर्टकट ट्रिक, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, तो वहाँ से आप टू डिजिट की शॉर्टकट ट्रिक देख आना ताकि आज का आपको और अच्छे से समझ आ जाए। चलिए शुरुआत करते हैं, थ्री डिजिट के नंबर लेते हैं। मान लीजिए मैंने नंबर लिया 3221, ये नंबर लिया तीन डिजिट का नंबर, ठीक है। मान लीजिए ये नंबर थे ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो हम कुछ स्टेप में इसको करेंगे। स्टेप नंबर वन में हम क्या करेंगे, वेरी फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दो डिजिट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि सी और एफ को हम मल्टीप्लाई करेंगे। सी को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, एफ से, स्टेप नंबर वन में। स्टेप नंबर टू में हम क्या करने वाले हैं कि जो बी है उसको करेंगे एफ से मल्टीप्लाई और सी को करेंगे ई से मल्टीप्लाई, ठीक है। यानी कि बी को एफ से और सी को ई से मल्टीप्लाई करेंगे और इनको क्या कर देंगे, ऐड करते रहेंगे। स्टेप नंबर थर्ड में, स्टेप थर्ड में हम क्या करने वाले हैं, हम तीन को मल्टीप्लाई करने वाले हैं। इसका मतलब मैं करूंगा ए को एफ से मल्टीप्लाई, ए को किससे मल्टीप्लाई करने वाला हूं मैं, एफ से, ए को मल्टीप्लाई करने वाला हूं एफ से, सी को मल्टीप्लाई करने वाला हूं डी से और बी को मल्टीप्लाई करने वाला हूं ए से, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा ए को मल्टीप्लाई करेंगे एफ से, डी को मल्टीप्लाई करेंगे सी से और बी को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ए से। स्टेप नंबर फोर्थ में, स्टेप फोर में हम क्या करेंगे, स्टेप फोर में हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा, स्टेप फोर में हम क्या करेंगे, ए को मल्टीप्लाई करेंगे ई से, ए को ई से प्लस बी को करेंगे किससे, डी से, बी को मल्टीप्लाई करेंगे डी से। और लास्ट स्टेप में, फिफ्थ स्टेप, स्टेप में हम क्या करेंगे, ए को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, डी से। शुरुआत में आपको थोड़ा समझने में लगेगा कि ये मुश्किल है, लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको बहुत ईजी लगने लगेगा। देखो क्वेश्चन से समझते हैं, क्वेश्चन से इसको करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, दो को मल्टीप्लाई करना है एक से, तो दो एकम दो, क्लियर है बात। उसके बाद ये चार लेने हैं, कितने लेने हैं, ये चार लेने हैं, तो दो एकम दो, दो दुनी चार, तो दो और चार जोड़ के कितने हो गए, छः, कितने हो गए, छः, है ना। दो एकम दो, दो दुनी चार, दोनों को जोड़ा तो कितने हो गए, छः, ठीक है, चार का हो गया। अब नेक्स्ट, अब इन तीन का, तीन एकम तीन, दो एकम दो और दो दूनी चार, चार और दो छः और तीन नौ, क्लियर। उसके बाद फिर चार का, तीन दूनी छः, दो दूनी चार, छः और चार दस, जीरो और कैरी जाएगी आगे, कैरी हो जाएगी आगे ऐड। अब किसकी बारी आएगी, इसकी, तीन एकम तीन और एक जोड़ा तो क्या हो गया, चार, और इनका मल्टीप्लाई का आंसर आ गया 40962, क्लियर है। हमने सिंपल सा स्टेप किया है, सबसे पहले हमने दो को मल्टीप्लाई किया, फिर हमने चार को मल्टीप्लाई किया, इन चार को हमने मल्टीप्लाई किया, फिर हमने इन छः को मल्टीप्लाई किया, एक दो तीन चार पाँच छः, उसके बाद हमने फिर से इन चार को मल्टीप्लाई किया, इन चार को, ए बी डी ई को, और फिर हमने दो मल्टीप्लाई किए, यानी कि दो चार छ चार दो, रिवर्स ऑर्डर में, क्लियर है। चलिए एक और समझते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको ये फंडा। मान लीजिए मैंने नंबर ले दिया 1 2 4 3 1 2, क्लियर। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखो जरा ध्यान से देखना, सबसे पहले इस फोर को मल्टीप्लाई किया इस टू से, तो चार दूनी आठ, चार दूनी आठ, चार दुनी आठ हो गया। अब अगले चार करने हैं, कहा है ना चार, तो चार कौन से, एक दो तीन चार, टू फोर वन टू को, टू टू जा फोर, फोर वन जा फोर, चार एकम चार, तो चार और चार जोड़ के कितने हो गए फिर से, आठ, क्लियर। उसके बाद कितने लेने मैंने, छः, छः ये सारे लेने, मतलब देखो इस फर्स्ट को इस लास्ट से, दो एकम दो, चार तिया बारह और दो एकम दो, तो दो चार छः सोलह, सोलह का छः जाएगा और आगे चला जाएगा कैरी। अब देखो हमने छः पे काम कर चुके, अब हम इन चार पे काम करेंगे, इन चार पे देखो
एक कैरी हमारा कितना चला गया, एक चला गया, एक कैरी चला गया, दो तिया छः, एक एकम एक, तो छः सात और एक आठ, यहाँ चला गया आठ। अब कितने, दो तीन एकम तीन, तो ये आ गया मल्टीप्लाई होकर 3 8 6 8 8। क्लियर। एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए चीज़ें। ध्यान रखिएगा, पहले दो को मल्टीप्लाई किया, वेरी फर्स्ट टू को, उसके बाद इन चार को, उसके बाद अगले इन सारे छः को, फिर चार को, फिर दो को, यानी कि दो चार छः चार दो। क्लियर। आइए समझते हैं एक और। मान लीजिए हमने लिखा 3 4 2 7 3 1 5। क्लियर। जो कैरी आता जाएगा वो आगे बढ़ता जाएगा, अगली मल्टीप्लिकेशन के साथ वो ऐड होता जाएगा। आइए समझते हैं। 5 7 35, कैरी कितना 3, दो हो गए अब 4, 5 2 10, 7 1 7 17, 5 2 10, 7 1 7 17 और 3 20, 0 कैरी कितना 2, 4 हो गए अब 6, 5 4 20, 7 3 21 और 2 1 2, 2 3 और 2 5, 2 4 और 1 5, 2 और 2 4, कितना हो गया 45। 45 का 5 कैरी जाएगा आगे 4, कैरी चला गया आगे 4। अब 6 हो चुके हैं, अब 4 करेंगे, 4 1 4, 3 2 6, 6 4 10 और 4 14, 14 का 4 हासिल, 14 का 4 कैरी जाएगा आगे 1, 4 3 12 और 1 जो कैरी था 13। तो इसका आंसर आ गया आपका 1 3 4 5 0 5। होप आपको समझ आ गया होगा। प्रैक्टिस के लिए एक और कर लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ये मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा इजी और बहुत जल्दी हो जाएगी आपके एग्जाम में। नहीं तो आपने प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप एग्जाम में बिल्कुल वैसे ही करने होंगे कि हाँ, जो आपके ट्रेडिशनल अप्रोच है, जो आपको स्कूल में सिखाया गया है, जैसे आज तक करते आए हैं कि पहले एक डिजिट को सबसे मल्टीप्लाई करो फिर बाकियों से करो। तो प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए एक और ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया 5 2 2 1 3 4। क्लियर है, मल्टीप्लाई करते हैं। तो वेरी फर्स्ट टू, 4 2 8, उसके बाद अगले 4 4 2 8, 3 2 6, 8 और 6 14, 4 2 8, 3 2 6, 8 और 6 14, 4 कैरी गया 1। अब अगले 3, 5 4 20, 2 1 2, 20 और 2, 3 2 6, 6 8 और 1 9, और ये 2 29 का 9, कैरी गया आगे 2। अब उठाएंगे 4, अब 4 उठाया, कैरी चला गया था 2, अब उठाए 4, 2 1 2, 5 3 15, 2 1 2, 5 3 15, 15 और 4 19, फिर 9 कैरी गया 1, 1 गया 5 1 5, और 1 वो कैरी कितना 6। क्लियर। तो ये आ गई आपकी मल्टीप्लिकेशन 3 डिजिट के। होप आपको समझ आ चुका होगा इतना। तो हमने सिंपल सा फंडा किया है, इसमें 3 डिजिट के नंबर के लिए हमने एक सिंपल सा फंडा अप्लाई किया है। हमने क्या किया है, हमारे पास 3 डिजिट के जो भी नंबर होंगे, सबसे पहले हम इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे। ये दो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा इन 4 को मल्टीप्लाई करना, यानी कि 2 4 6 4 2। क्लियर। पहले 2 को मल्टीप्लाई किया, फिर 4 को मल्टीप्लाई किया, फिर किसको मल्टीप्लाई किया, इन 6 के 6 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट को लास्ट से, सेकंड लास्ट को फर्स्ट से, और मिडल को मिडल के साथ। क्लियर है। 4 होने के बाद आपने क्या करना है, 6 होने के बाद आपने क्या करना है, अगले 4 को मल्टीप्लाई करना है। इन 4 को मल्टीप्लाई करने के बाद फिर आपने इन 2 को मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है। यानी कि 2 4 6 4 2, ये कोड है इसका, सिंपल सा। प्रैक्टिस करिए, इसको अपने होल्ड पे बनाइए ताकि आप एग्जाम में बहुत स्पीड से 3 डिजिट की मल्टीप्लाई कर सके और आपका टाइम मल्टीप्लिकेशन पे वेस्ट ना हो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, ठीक है।
अगले टॉपिक के, मैथमेटिक्स के अगले टॉपिक में आपको कल की वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।